हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर स्वाति उपाध्याय एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम टेकिंग योर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी क्लासेस, ओके एंड आई वांट टू टेक क्लास इन बोथ लैंग्वेजेस एक्चुअली आई आई वुड प्रेफर बोथ लैंग्वेजेस सो दैट ऑल देंक्शंस कैन बी बेनिफिटेड ठीक है तो आज से मैं आप लोगों को इस सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की क्लासेस पढ़ाऊंगी और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं ये सारे वीडियोस मैं आपको लाइन से डालती रहूँगी आप लोग वॉच कर सकते हैं इसको और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग किसी भी टाइम पर और मैं जो भी पढ़ाऊँगी उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये आपके बहुत काम आएगा अगर कोई बच्चा गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है नेट क्लियर करना चाहता है ठीक है तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा मैं हर मैं डीप में जाकर भी पढ़ाऊँगी जिससे जो बच्चे थोड़ा डीपली स्टडी करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और जो बच्चे बहुत डीपली स्टडी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को रिमेंबर नहीं कर सकते तो वो केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को ही समझेंगे और या आप तो मुझसे वो पूछ भी सकते हैं कि कितना मुझे इसमें लिखना होगा जिससे मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं या इतना मुझे याद नहीं हो रहा है मैं और किस तरह से इसको कम कर सकता हूं, या सकती हूँ मुझसे आप पूछ सकते हैं ठीक है और जिनको पूरा पढ़ना है वो अपना पूरा भी पढ़ सकते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस में आप लोगों को प्रेसकॉड बुक से पढ़ाऊँगी और इम्यूनोलॉजी में क्यूबे से पढ़ाऊँगी ठीक है तो जिसके पास भी ये बुक्स है ठीक है अगर नहीं भी है तो मेरे नोट्स ही आप लोगों के लिए सफिशियंट होंगे इसकी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को नोट करिएगा क्योंकि इसमें मैंने जो कुछ भी लिखा है यही आप लोगों के नोट्स भी हैं ठीक है तो आप चलिए शुरू करते हैं ये क्लासेस सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी लेकिन आज हमारी पहली क्लास है इसीलिए हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है आगे ठीक है और जो पढ़ना है उस टॉपिक का मतलब क्या है ये आज हम लोग समझेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबको ऑल द बेस्ट आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं और आगे और अच्छा करिए जिससे आप लोगों की अच्छी जॉब लगे जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है वो अच्छी रिसर्च फील्ड में जा सके ठीक है कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैंने अपना पीएचडी किया हुआ है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में और ये यहाँ से मैंने सी मैप सी एस आई आर सी मैप से किया है मैंने जे आर एफ़ क्वालिफ़ाई किया है सी सी एस आई आर का इसके अलावा आई सी आर नैट क्वालिफ़ाइड भी हूँ मैं आई सी एम आर क्वालिफाइड भी हूँ और डी बी टी क्वालिफ़ाइड भी हूँ मैं तो किसी को किसी भी कॉम्पिटिटिव uh, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो कि इसमें क्या क्या आता है ज़्यादा तो वो भी मुझसे पूछ सकता है और माइक्रोबायोलॉजी आपकी आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आई का नेट देना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन से सबसे पहले तो हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है इसको अगर हम ब्रेक करें माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या तीन वर्ड निकल के आते हैं ठीक है पहला होता है हमारा माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल दूसरा होता है बायो और तीसरा होता है लॉजिक इसका मतलब होता है स्टडी ठीक है तो लॉजिक का मतलब हो गया टू स्टडी बायो का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स ठीक है माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल स्मॉल का मतलब क्या हुआ माइक्रो में हम जो स्टडी करते हैं उसका जो साइज होता है वो टेन की पावर माइनस सिक्स जिसको कह सकते हैं मीटर के आसपास होता है ठीक है ये माइक्रोन साइज इसको भी हम कहते हैं इतना छोटा होता है कि हमें अपने नेकेड आई से ही दिखता नहीं है ठीक है तो इसीलिए हम माइक्रोबायोलॉजी में उन सारे लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते इसके लिए कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन या सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है तो वो सारी चीज़ें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म में आते हैं और माइक्रो ऑर्गनिज़म की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी ठीक है तो पहला पॉइंट हमारा यही लिखा हुआ था उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनी एस्टिमेट सजेस्ट दैट वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट वन परसेंट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स इन एनी गिवन इन्वायरमेंट ठीक है अब देखिए हमारे पूरे इन्वायरमेंट में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि सबको क्लासीफाई करना सबकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है आप बैठे हैं जहाँ कहीं भी बैठे हैं आपके चारों तरफ ठीक है कम से कम लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल कर रहे होंगे आपकी बॉडी पे लाखों कह सकते हैं माइक्रो होंगे इस वक्त ठीक है लेकिन उनसे आप लोगों को कोई भी आ, हार्म जैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता इतने सारे माइक्रो आपकी बॉडी पे हैं लेकिन सारे के सारे आपको परेशान नहीं करते हैं और जो हाँ हमारे लिए हार्मफुल होते भी हैं उनसे भी हम कैसे बचते हैं ये हम इम्यूनोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम केवल माइक्रो ऑर्गनिज्म के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा उधर की बातें नहीं कर रहे हैं अभी तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनमें से समझिए वन परसेंट की ही स्टडी अभी तक हुई है इसका मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट के अराउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग को नोन ही नहीं है कि वो किस तरह के हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है जैसा आजकल आप लोग कोरोना वायरस का भी देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में किसी को कोई नॉलेज है ही नहीं क्योंकि वो एक नावल वायरस है जिसके जिसकी स्टडी ही नहीं हुई वो उन वन परसेंट माइक्रोब्स में नहीं आता जिनकी स्टडी हो चुकी है जिनकी स्टडी हो चुकी है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं उससे कैसे बचा जाए या वो हमारे लिए हार्मफुल है भी या नहीं ये सारी चीज़ें तो हमें पता है लेकिन जो नाइन्टी हैं जो बचे हुए स्टडी करने के लिए उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है ख़ास कि वो क्या हैं क्या हैं है, कैसे हैं और किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं कि हार्मफुल ही होंगे ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है ठीक है तो इन सबकी स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में हम पढ़ते हैं उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है माइक्रोबायोलॉजी हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला टर्म इन कम्पेल्सिंग मैनी सब डिसिप्लिन और फील्ड्स टू स्टडी दीज इंक्लूड्स अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो है एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है इसमें हम कई सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं जैसे अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे माइकोलॉजी होती है फंगस की स्टडी प्रोटोजोलॉजी होती है प्रोटोजोआ की स्टडी फाइकोलॉजी में एल्गी की स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं और वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं तो ये सारी ब्रांचेज माइक्रोबायोलॉजी जी के अंदर ही आती है एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये इसकी सब ब्रांचेज हैं अगर माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है तो उसकी सब ब्रांचेज हमारे ये बैक्टीरियोलॉजी माइकोलॉजी प्रोटोजूलॉजी फाइकोलॉजी पैरासाइटोलॉजी वायरोलॉजी ये सारी उसकी ब्रांचेज हैं अब आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको मान लीजिए आ गया कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका माइकोलॉजी फाइकोलॉजी इसी तरह से दो और ऑप्शन आ जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे कि एक्चुअली में क्या था एलगी की स्टडी को हम क्या कह रहे थे तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को इसको मतलब किस कैटेगरी में आते हैं किसकी स्टडी को क्या कहते हैं ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए माइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अब ऐसा नहीं होता कि फंगस की स्टडी को हम फंग, फंगोलॉजी कह दें या इस तरह से कुछ कह दें तो ये सब टर्म्स आप लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए ठीक है तो इसको एक बार देख लीजिएगा आगे चलते हैं ये देखिए इसमें आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं इस्पेशली बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें वायरस के बारे में बात करें ठीक है तो इनका साइज़ किस रेंज में आता है हमने आपको बताया था वन माइक्रॉन के अराउंड इनका साइज़ होता है वन माइक्रॉन में टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर्स होते हैं तो वन माइक्रॉन को हम इस तरह से शो करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है वो वन माइक्रॉन के बराबर होता है और वायरस का उससे भी ज़्यादा कम होता है उससे भी टेन परसेंट लेस होता है वायरस का साइज़ जो यहाँ पर फ्लू वायरस बना हुआ है और ह्यूमन सेल में जितना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है समझिए उतना ही बड़ा बैक्टीरिया भी होता है ठीक है इतना छोटा होता है कि आप सेल को तो वैसे देख नहीं सकते अपनी आँखों से तो आप उसके अंदर के ऑर्गेनेल को क्या देखेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी नहीं देख सकते आँखों से जब माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते तो हम बैक्टीरिया को भी नहीं देख सकते अब इसके कंपैरिजन में देखिए कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसको हम लोग अपने बॉडी की सबसे छोटी सेल कंसीडर करते हैं रेड ब्लड सेल्स भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के साइज़ से बड़ी हैं और एनिमल सेल और सेल तो खैर बड़े हैं ही वो टेन माइक्रोमीटर से हंड्रेड माइक्रोमीटर के बीच में आते हैं तो ये सारे साइज रेंज हैं इसमें बस बताने का ये मतलब है कि वन माइक्रॉन जिसको माइक्रोबायोलॉजी हम वर्ड दे रहे हैं तो वन माइक्रॉन के साइज़ में ही हमारे बैक्टीरिया ठीक है मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आते हैं यूनीसेलुलर फंगस आते हैं वायरस का साइज़ उससे भी थोड़ा छोटा होता है पॉइंट वन माइक्रॉन कह सकते हैं या हंड्रेड नैनोमीटर कह सकते हैं तो ये सारा साइज़ रेंज का चार्ट है इसको बस ऐसे ही देख लीजिएगा इसमें कुछ याद नहीं करना है आप लोगों को ये मैंने एक ऐसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया है कि माइक्रोबायोलॉजी वन माइक्रोमीटर साइज़ में किस तरह से डिवीजन हुआ है सारी सेल्स का या जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ठीक है नेक्स्ट देखिए अब इसमें आप ये भी देखिए कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो जनरल मिल जाता है लैब्स में लाइट माइक्रोस्कोप उससे आप वायरस को नहीं देख सकते एकदम उसके देखिए लिमिट्स पे है ठीक है लाइट माइक्रोस्कोप से हम एक तरह से वायरस को बहुत अच्छे से नहीं देख सकते ये उसकी रेंज है इस रेंज के ही जितने चीज़ें हैं इसकी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जो इसकी लिमिट्स पे है उसकी स्टडी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और फ्रॉग एग को तो हम ऐसे ही देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए तो क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जितने भी ऑर्गनेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सेल हैं इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन वायरस की स्टडी करने के लिए प्रोटीन की स्टडी करने के लिए लिपिड्स की स्टडी करने के लिए या एटम की स्टडी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इसमें यही चीज़ बताई गई है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने होंगे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं सबसे पहला तो इसमें यह है कि एंटोन वॉन ल्यूवन हॉक इनका नाम सभी ने सुना होगा इनको ही माइक्रोब्स की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है मतलब सबसे पहले माइक्रोब्स की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवन हॉक ने ही की थी ठीक है इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं फादर ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इसको हम आगे लिखवाएंगे आप लोग अभी मत लिखिएगा ये जितना इसमें अभी लिखा हुआ है उतना बस लिख लीजिए ठीक है तो एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक इज़ लार्जली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स वाइल रॉबर्ट हुक इज़ क्रेडिटेड एज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब लाइफ प्रोसेस अंडर अ माइक्रोस्कोप ठीक है अब माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप के अंदर जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो लाइफ प्रोसेस हैं कि किस तरह से आ, किसी लाइफ प्रोसेस होती क्या है जैसे रेस्पिरेशन हो गया ठीक है फोटोसिंथेसिस हो गया या डाइजेशन हो गया जो जो भी सब लाइफ प्रोसेस है उनकी स्टडी सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर किसने की थी रॉबर्ट हुक ने ठीक है तो रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट हुक को भी हम एक तरह से फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं लेकिन जो एंटोन वॉन लिवन होके वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इसका देखिए इस प्लैजनी एंड पाश्चर परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्सट्रेट दैट माइक्रोबियल लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली अच्छा जो पहले ही माना जाता था कि जो माइक्रोबियल ओरिजिन होती है या माइक्रोब्स जो पैदा होते हैं ये अपने आप पैदा हो जाते हैं ठीक है अपने आप पैदा होने का मतलब क्या है कि इनको किसी चीज़ की पहले से पहले किसी बैक्टीरिया या वायरस की प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती माइक्रो ऑर्गनिज़म की प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं जैसे आप कोई भी जैसे खाने पीने का सामान अगर आप छोड़ दो बाहर खोले में तो उसमें देखा गया कि पहले अपने आप ही माइक्रो ऑर्गनिज़म पैदा हो जाते हैं तो इस तरह की पहले आ, मतलब एक मिथ था लोगों के अंदर मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है तो वो लोग सोचते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ही पैदा हो जाते हैं ठीक है लेकिन ऐसा तो होता नहीं अपने आप कोई कैसे पैदा हो जाएगा ठीक है उसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ आ, आ, लाइफ प्रॉ मतलब कोई एक लिविंग थिंग तो होनी चाहिए किसी दूसरी लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए यही हमारा लिविंग थिंग की पहचान होता है रिप्रोडक्शन ठीक है कोई भी एक लिविंग बींग है वो पुरानी लिविंग बींग से ही पैदा हो सकती अपने आप से कुछ नहीं होता ये बाद में पता चल गया एक्सपेरिमेंट से तो ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला इस प्लैन्जनी एंड पाश्चर के एक्सपेरिमेंट से इस प्लेन्जनी और पाश्चर ने ये बताया कि कुछ भी अपने आप नहीं होता अगर माइक्रो ऑर्गनिज्म डेवलप हो रहे हैं किसी जगह पर तो वो एयर में प्रजेंट पहले से हैं अब किसी चीज़ के कांटेक्ट में आके जब वो डिवाइड होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तब हमें दिखाई पड़ने लग जाते हैं कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गनिज्म आ गए हैं और जब तक वो नहीं डिवाइड होते हैं ज़्यादा अमाउंट में तब तक वो हमें दिखाई नहीं पड़ते तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं लेकिन वो एयर में पहले से प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इस प्लेजनी एंड पाश्चर के एक्सपेरिमेंट से बाद में ये साबित हो गया कि कोई भी लाइफ फॉर्म है अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकती नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन लेट दी ग्राउंड वर्क फॉर डिस्कवरिंग एंड कैटलॉगिंग माइक्रोब्स वाइल्ड कोच कंक्लूसिवली शो डेट माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज अब जो कौन साइंटिस्ट थे ठीक है उन्होंने क्या किया माइक्रोब्स को क्लासीफाई किया क्लासीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे कौन ठीक है जबकि एक रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिसका आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका रोल है एक तरह से कह सकते हैं रॉबर्ट कोच को भी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है तो रॉबर्ट कोच ने क्या बताया कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कुछ नहीं उन्होंने कहा कि माइक्रोब्स हमेशा डिजीज ही कॉज करते हैं ये रॉबर्ट कोच ने बताया रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स वायरस पे काम कर रहे थे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट कोच किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अपना वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया वायरस फंगस ऐसे करके ऑप्शन हो सकते हैं तो सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और किस टाइप के बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे तो एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे ठीक है तो ये आपका हो गया कुछ की पॉइंट्स इसको आपको याद रखना है अब नेक्स्ट आएगा आपका कोच के पॉस्टुलेट्स क्या क्या है तो नेक्स्ट हम कोच पॉस्टुलेट्स देखेंगे देखिए कोच पॉस्टुलेट्स को याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता दूं इसको आप लोग पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे हमेशा ऐसा ही होता है कि पढ़ तो लेते हैं सब लोग कि चार पॉइंट है रट्टा लगा लिया कि ये ये चीज़ें हैं लेकिन भूल जाते हैं तो एक सिंपल आप लिंक बना के याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अभी आप इसको मत देखिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है अभी आप मेरी केवल बात सुनिए रॉबर्ट कोच ने बताया क्या था उनको जैसे हम पहले की स्लाइड में देख चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं ठीक है तो मान लीजिए किसी आदमी को कोई डिजीज़ है जो मैं बता रही हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म को कोई डिजी डिजीज़ है तो कोच के अकॉर्डिंग उस डिजीज़ के लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है कि उनका पहला पॉश्युलेट्स हो गया अगर किसी इंसान को कोई डिजीज़ है तो उसके लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होगा यही कोच का पहला पॉश्युलेट था दूसरा पॉश्युलेट उनका ये था कि अगर उस ऑर्गेनिज्म से हम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल लें जैसे मान लीजिए उसके ब्लड में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके ब्लड सैंपल को बाहर निकाल के उसका कल्चर करें उसको ग्रो करें बाहर इन विट्रो कंडीशन में या लेबोरेटरी की कंडीशन में ग्रो करें तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं उसका कल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है पहला तो पॉइंट उनका ये था कि कोई भी और कोई भी अगर ह्यूमन बींग है उसको कोई डिजीज़ है तो वो माइक्रो ऑर्गनिज़म के कारण है दूसरा पॉइंट उनका ये था उस माइक्रो ऑर्गनिज़म को हम आइसोलेट कर सकते हैं वहाँ से उस जो भी इंसान है उसके बॉडी से और उसको माइक लैब में कल्चर कर सकते हैं तीसरा पॉइंट उनका यह था कि उस कल्चर से माइक्रो ऑर्गेज्म को किसी हेल्दी इंडिविजुअल में अगर डाल दिया जाए तो उसको भी सेम वही डिजीज़ हो जाएगी जो पहले वाले इंसान को थी ठीक है तो ये उनका तीसरा पॉइंट हो गया चौथे पॉइंट में अगर दूसरे इंसान को जिसको हमने कल्चर ट्रांसफ़र किया है उसकी बॉडी में से भी अगर हम आइसोलेट करके माइक्रो ऑर्गनिज़म को बाहर कल्चर करें तो वो भी सेम ही कल्चर होगा जो हम पहले वाले ऑर्गेनिज्म से पहले वाले ह्यूमन बींग से जो निकाले थे कल्चर वो जिस तरह का कल्चर था सेम वैसा ही कल्चर दूसरे इंडिविजुअल से जो हमने निकाला है उसका भी सेम वैसा ही कल्चर होगा तो यही चार पॉइंट थे कोच के फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ पहला पॉइंट क्या था कि अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को मतलब किसी अगर इंडिविजुअल को कोई डिजीज़ है तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गनिज्म रिस्पॉन्सिबल है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट उस माइक्रो ऑर्गनिज्म को उस इंडिविजुअल से आइसोलेट करके लैब में कल्चर कर सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या था अगर वो कल्चर को किसी हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर दे, तो वो भी बीमार पड़ जाएगा सेम डिज़ीज़ से जो पहले वाले इंसान को थी चौथा पॉइंट क्या था जो अब नया इंसान बीमार पड़ गया उसकी बॉडी में से भी अगर हम माइक्रो ऑर्गनिज्म को आइसोलेट करके कल्चर करें लैब में तो हम उसको कल्चर कर सकते हैं तो ये चार कोच के पॉस्टुलेट्स थे लेकिन इनके पॉस्टुलेट्स हर जगह फॉलो नहीं हुए जैसा सबसे हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो दूसरा पॉइंट था इनका जो माइक्रो ऑर्गनिज्म को हम कल्चर कर सकते हैं लैब में इसमें हमारी जो माइक्रो बैक्टीरियम लेपरी है जो लेप्रोसी कॉज करते हैं उनको हम कल्चर नहीं कर सकते लैब में ठीक है इनको आइसोलेट करके कल्चर करना बहुत मुश्किल होता है यही एक हो गया कोच के का एक, क्यों नहीं कल्चर कर सकते माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को क्योंकि इसका इसके लिए कोई भी मीडिया अभी तक तैयार नहीं किया किया जा पाया है जिसमें ये आसानी से कल्चर किया जा सके दूसरा क्या होता है कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री को डिवाइड होने में चौदह से पंद्रह दिन का टाइम लगता है उतने टाइम में क्या होगा अगर हम कोई मीडिया प्रिपेयर कर भी ले तो उस मीडिया में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन आ जाएगा तो इसको प्योर कल्चर तो इसका हो ही नहीं पाएगा कई सारे माइक्रो ऑर्गनिज्म के साथ कल्चर हो सकता है प्योर कल्चर इसका ऑप्टेन करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है ये एक्सेप्शन है इसको आप लोग याद करिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो ये कोच के पॉस्टुलेट्स हो गए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बस याद रखने हैं ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है मैंने कुछ पॉइंट हमने पहले बता भी दिए है जैसे एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं लुइस पाश्चर को फादर ऑफ़ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ़ वायरोलॉजी कौन से हैं मार्टिनस बेजरनिक ठीक है ये चारों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा ठीक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ इसको जो लोग याद कर पाएं याद करें जो लोग ना याद कर पाएँ वो अभी तक इसके पहले तक मैंने जो बताया है वहीं तक वो लोग पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद भी करेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे भी जितना याद रख सकते हैं उसको याद करेंगे आज की पहली क्लास में माइक्रोबायोलॉजी का इतना इंट्रोडक्शन ही सफ़िशेंट है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस स्लाइड को कम से कम दो बार देखिएगा जिससे आप लोगों को अभी के अभी ये याद भी हो जाए ठीक है अब आप लोग इसको एक बार रिवीज़न कर लीजिए इसके बाद की क्लास में मैं आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा हर एक पॉइंट इसका नोट कर लीजिएगा कॉपी में कॉपी में सारे पॉइंट्स नोट होने चाहिए क्योंकि कॉपी आपकी कभी भी चेक हो सकती है कभी भी मैं कॉपी का इस्क्रीन शॉट या उसका पीडीएफ मांग सकती हूँ आप लोगों से इसलिए सब लोग प्लीज़ इसको लिखेंगे ज़रूर ठीक है ओके थैंक यू And all the best.